हुई है, कविता का नाम है समय। लेकिन कुछ बच्चे पूछते हैं सर ये वीडियो भी कहीं नहीं है। वीडियो भी बनाई जाती है, वीडियो जो बनाई जाती है जैसे आपको कक्षा में मैंने पढ़ाती है लेसन रीड करवाती है, तो अभी आपके पास कुछ है नहीं और केवल हम रिटर्न आपको काम दे दें तो आपको समझ में नहीं आएगा किस पार्ट से रिलेटेड है और इस पार्ट में हमें क्या करना है, ये पार्ट किस बारे में। तो ये जो वीडियो बनाई जाती है पहले आपको पार्ट पढ़ाया जाता है, जैसे मैंने हमारी क्लास में रीड करवाती ना पार्ट, वैसे वो लेसन रीड करवाया जाता है, फिर उसका अभ्यास आपको रिटर्न में व्हाट्सएप पे हम दिया जाता है। जो अभी जो आपको कविता है वो समय, ठीक है, ये सारी वो कविता है, ठीक है, ये सारी कविताएं पहले आपको ये समझाई जाएगी जैसे क्लास में रीडिंग होती है उसी प्रकार से, ठीक है। उसके बाद इसका होमवर्क आपको रिटर्न में मिलेगा इसका अभ्यास। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, इसको सिर्फ समझना है, इसको रीड करना है, समझना है कि क्या कह रहा है। इसमें कुछ कठिन शब्द मिलेंगे आपको बात करेंगे, बाद में इसके आधार से आपको प्रश्न उत्तर मिलेंगे, आपको वो करना। तो ये जो वीडियो है वो आपको समझना है अच्छे से, करना भी होता ही, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं हमारा कविता को पढ़ना। समय, तो कविता का क्या नाम है? समय। कोई कल आप मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कल हमने वीडियो में क्लास थर्ड में कौन सी कविता पढ़ी थी, तो कविता पढ़ी थी हमने समय, ठीक है। तो समय क्या है? समय का सबको पता है, समय बहुत ही मूल्यवान है, सबको पता है कि समय बहुत ही मूल्यवान। व्यर्थ, व्यर्थ का मतलब होता है बेकार, नहीं करना चाहिए, कभी मत सोना कि व्यर्थ में, मतलब सिर्फ ऐसे बगल कोई काम किए, बगल को सोचे, उसको व्यर्थ समय को नहीं गंवाना चाहिए कि हर काम समय में हमें करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? चला गया तो समय लौट कर, एक पर कोई समय चला जाता है जो हमने व्यर्थ गंवा दिया, बैठे कभी भी नहीं आता, वो समय लौट कर नहीं आता। जैसे अभी मैं बचपन में था, तो क्या मेरा अभी आपका बचपन है, मैं हूँ, तो मैं चाहूँ तो क्या मेरा बचपन लौट के आ सकता है? नहीं आ सकता। तो उसी प्रकार क्योंकि मेरा समय बीत चुका है, बीता चला गया, समय लौट कर कभी नहीं आता। सदा समय को खोने वाला, कि जो समय को खोता है, बर्बाद करता है, व्यर्थ करता है, गंवा देता है, कर कर होता हाथ मर मर कर पछताता है, केवल अफसोस कर रहता है कि मैंने समय रहते ये काम नहीं किया, अगर मैं कर लेता तो अच्छा रहता है, इस प्रकार का उसमें अफसोस रहता है। आगे देखिए क्या कह रहा है, जिसने इसे न माना, मतलब इन बातों को जिसने नहीं समझा कि समय को नहीं गवाना चाहिए, समय में काम करें, जिसने इसे न माना समय सदा उसे टुकराता, कि जिसने इस बात को नहीं समझा कि समय मूल्यवान है, समय उसको टुकरा देता है, मतलब उसकी कोई भी काम को समय में नहीं करता तो उसका सम्मान नहीं कर पाता समाज में। लाश यत्न करने पर भी, कि लाश यत्न, यत्न होता कोशिश या प्रयास, कि एक बार आपने समय बीत गया तो उसके बाद जब कितनी कोशिश कर ले, हजार कोशिशें कर ले, लाख कोशिशें कर ली, यत्न सब कोशिश को हाथ न हाथ उसके आता, कि बीता हुआ समय फिर वापिस नहीं आता, कि आज जो है आज का कम आज ही कर ले तो ठीक है, लेकिन हमने किसी प्रकार से उस समय को बर्बाद कर दिया, व्यर्थ कर दिया, तो उसके बाद हम कितनी भी कोशिश कर लें वो बीता हुआ समय वापिस नहीं आता। आगे नहीं हो जाता है एक घड़ी से यह जीवन भर रोना, कि एक घड़ी आपका कोई बहुत अभी कोई समय है जो आपको कोई काम करना चाहिए, किसी कारण से आपने आलस में या किसी तरह से नहीं किया, तो आपको जीवन भर उसका बोझ उठाना पड़ सकता है। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, बार बार कविता के माध्यम से आपको बताया गया है कि समय बहुत मूल्यवान है, उसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उदाहरण आपको समझा रहे हैं कि जिसने समय की कदर की है उसने अपने जीवन में संसार में अपने प्रशंसा है या उसका नाम हुआ है। उदाहरण के तौर पर गांधी हो या नेहरू, गांधी हो या नेहरू, उदाहरण के तौर पर चाहे गांधी महात्मा गांधी की हो चाहे नेहरू की हो, सबने मूल्य समय का जाना, कि सभी महान पुरुष है जो हमारे इतिहास में हो सबने मूल्य जाना समय का। इसलिए सारे जन जब उनका संसार सारे जन ने उसको उनको है पहचाना, तो सारे संसार में उनका नाम है, क्योंकि उन्होंने समय वैसे ही सारे काम किए, समय को वैसे नहीं गवाया, तो इसलिए सारे संसार में उनका नाम है। दूसरा, ये तो महापुरुषों का उदाहरण के द्वारा समझाया गया, अगला आपको छोटी से जीव के द्वारा समझाया।
बताएंगे ना बातें। चींटी आपने देखा होगा, चींटी हर कुछ समय रहते हैं, काम करते रहते हैं, वो कभी आपने उसको एक जगह रुके हुए नहीं देखा होगा, तो उसके पर है चींटी हर पल मेहनत करती है। चींटी जो है छोटा सा जीव होती है, वो हर पल मेहनत करती रहती है, समय कभी ना गंवाती, वो कभी समय को व्यर्थ नहीं करती, कभी समय नहीं गंवाती। तो अगर वो समय व्यर्थ नहीं करते इसलिए इसलिए तो पूरे जग में पूरे जग में पूरे संसार में श्रमिक श्रमिक होता है काम करने वाला, ठीक है, समस्त जो योग्य हो जो श्रमिक समस्त कहलाए जो काम करने योग्य है वो कहलाते हैं श्रमिक के नाम से, वो अपने संसार में जाना जाता है चींटी को। अब आगे लास्ट करेंगे आपको क्या बनाएगा देखिए, अब हमारी कविता जो समय की आखिर की क्या पंक्ति है उसमें देखिए क्या कह रहा है। समय मूल्य समय का पहचानो तो, यदि आपने समय का मूल्य पहचाना तो मिले जन्म भर हंसना। तो अगर आपने जीवन में समय का मूल्य या मूल्य पहचान लिया तो जीवन भर हंसना कि अभी आपका काम पढ़ने का है, आप अच्छे से पढ़ाई की अपना समय व्यर्थ नहीं किया बेकार की चीजों में, तो आने वाले जीवन में आप क्या करोगे तरक्की हासिल करोगे, तरक्की हासिल करोगे तो आपका जीवन खुशहाली भरा होगा, वरना दोस्तों आपको दिक्कतें उठानी पड़ेगी। समय का मूल्य पहचाना तो समय के मान है उसी के अनुसार ना कार्य करें, तो मूल्य समय का पहचाना तो मिले जन्म भर हंसना। समय बहुत ही मूल्यवान है, बार बार आपको समझाया जाता है कि जो समय है बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत उसको खोना। तो ये इस कविता के माध्यम से आपको समझाया गया है कि जो समय है वो बहुत ही मूल्यवान है और उसकी अपने एक कभी उसको व्यर्थ नहीं खोना चाहिए, ठीक है। तो आप जो भी एक इस बात को समझ जाएगा समय के अनुसार अपना कार्य करेगा वो जीवन में उन्नति हासिल करेगा। धन्यवाद, ये कविता हमारी पूरी हो चुकी है, इसके अभ्यास आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी करने के लिए।